नीला झंडा जिस पर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर है, साथ में लिखा है जय भीम और हर तरफ जय भीम के नारे लग रहे हैं। भीम आर्मी के लोग जगह जगह भारत बंद की रैलियां निकाल रहे हैं। स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये बाड़मेर का है। देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया, ऐसे में भारत बंद की सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर में भी इसका असर देखने को मिला है। SC ST रिजर्वेशन को लेकर बाड़मेर बंद कर दिया गया है। इसी के चलते सरहदी शहर के बाजार स्कूल पूरी तरीके से बंद है। बता दें दलित समाज के लोग चौहट्टन चौराहे से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। यहां भीम आर्मी ने जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से देश की राष्ट्रपति को डिमांड लेटर सौंपा। SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को खत्म करने की मांग की है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्रीमी लेयर क्या है जिसके विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया। आइए इस वीडियो में भारत बंद का पूरा लेखा जोखा समझते हैं। क्रीमी लेयर भारत में दलित समाज से जुड़ा एक सिस्टम है। इसका मोटिव है कि सरकारी आरक्षण का फायदा केवल उन लोगों को मिले जो गरीब और जरूरतमंद है। भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। रिजर्वेशन का मोटिव शिक्षा, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में बेहतर अवसर मिलना होता है। पर इस बीच ऐसे भी कुछ लोग हैं जो OBC परिवार से हैं और बहुत अमीर होते हैं, उन्हें सरकारी मदद की जरूरत नहीं होती। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्रीमी लेयर का सिस्टम। इसमें जिन OBC लोगों की आय या संपत्ति एक तय सीमा से ज्यादा होती है उन्हें सरकारी आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाता है। इसका मतलब है कि जो OBC लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, यानी इस सिस्टम से गवर्नमेंट स्कीम्स और रिजर्वेशन का फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जो असल में गरीब और पिछड़े हैं। क्रीमी लेयर की पहचान आमतौर पर OBC लोगों की इनकम, प्रॉपर्टी और एसेट देखकर की जाती है। इस सिस्टम को आसान शब्दों में समझा देते हैं। मान लीजिए यदि किसी OBC परिवार की सालाना आय यानी एनुअल इनकम बहुत ज़्यादा है और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं। ऐसे में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में क्रीमी लेयर का ये सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुँच सके। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन NACDAOR ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए क्योंकि ये SC ST और OBC के संवैधानिक अधिकारों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए खतरा है। इसी का विरोध करने के लिए भीम आर्मी ने भारत बंद का मोर्चा खोला। केवल बाड़मेर या राजस्थान ही नहीं, देश भर से भारत बंद की वीडियो सामने आ रही हैं। बता दें ऐसे में स्कूल कॉलेजों को भी बंद किया गया है। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।